जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक स्कूल बस खाई में जा गिरी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 8 स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। हादसे की सूचना में आनन फानन में पुलिस को दी गई है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ एकत्र हो गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिलहाल हादसे में 8 स्टूडेंट्स घायल बताया जा रहा है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। जिसको लगती है उसको रेफर कर देते हैं। मैं समझता हूं यहां पर सीएमओ की टोटली नालायकी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार मैंने कहा कि रोड की हालत ठीक नहीं है, रोड की हालत ठीक नहीं है, पैसा भी है, उसके बाद ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। बार बार कहने के बाद और ये जानबूझकर मैं कहता हूं कि एफआईआर लगनी चाहिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के खिलाफ, जिनकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? इसमें लगभग 18 लोग घायल हुए हैं और 11 के लगभग यहां पर पहुंच गए हैं। और कहते हैं जो खटारा बस होगी, जो खटारा मेट्रो होगी, वहां बेल गाई जाएगी। और मैं समझता हूं ये जो दोषी हैं, दोषी कोई और नहीं डिपार्टमेंट है, और उनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। बार बार हमारे लोगों के साथ धोखा किया जाता है, बार बार हमारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब यहाँ पर घायल पहुंचे तो डॉक्टर कोई भी नजर नहीं आया। यहाँ पर डॉक्टर नहीं था, बाहर पेशेंट रेफर था, और कम से कम 10 मिनट हमने वेट किया एम्बुलेंस का, जबकि इनको 1 घंटा पहले पता था कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है और लोगों को हो सकता है रेफर करना पड़े। एम्बुलेंस रेडी रखनी थी बाहर। मशीनों की बात करें, अगर कोई एक्सरे मशीन भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो रोड की है हालत खराब, बट हर जगह पे रोड, अभी बरसात का मौसम है, रोड हर जगह पे खराब है और स्लिप हो गई होगी। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि जब तक मैं इसकी इंक्वायरी नहीं कर देती कैसे एक्सीडेंट हुआ है, मैं अपने जो पेशेंट है उनको सेव रखना चाहती हूँ। क्योंकि जब मुझे पता चला, मैं तभी स्पॉट पे हॉस्पिटल में आई, उसके बाद मैंने 3 एम्बुलेंसें वहाँ भेजी, 1 108 वाली, दूसरी दोनों एम्बुलेंसें वहाँ भेजी, मेरे पेशेंट को बीच में से उठा के उन्होंने लाया। पर मैंने सीएमओ साहब को 7:30 का फोन किया, मैं 8 बजे यहाँ पहुँची, 8 बजे मैंने एम्बुलेंसें भेजी है। और इनके केयरलेस की वजह से हमारे गरीब, हमारे किसान और हमारे स्टूडेंट जो बच्चे थे, उनकी जान की इनकी केयरलेस की वजह से, जब मैंने इनको बोला कि हॉस्पिटल में